हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर इस साल 35 लाख नई कारें आने वाली हैं मार्केट के अंदर, और इससे जो है प्रदूषण में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फेंकेंगी, ये कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगी, ये एक्चुअली में ऑक्सीजन फेंकेंगी। तो कहने का भाव इतना है कि एक तरफ तो सरकारें कोशिश कर रही हैं, एक प्रोपेगेंडा चलाती हैं कि हम CO2 को, उसका एमिशन जो है उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यही सरकारें इतनी सारी गाड़ियों को अलाउ कर रही हैं, नई गाड़ियों को अलाउ कर रही हैं मार्केट में आने के लिए। तो आप समझिए कि किस तरह से एक आम जनता है उसको मूर्ख बनाया जा रहा है। अच्छा, नई गाड़ियां, अब ये नहीं है कि जो नई गाड़ियां आ रही हैं इससे कंपनियों को फ़ायदा है, प्राइवेट कंपनीज को फ़ायदा है, उनका फ़ायदा तो बहुत कम है। जो असली फ़ायदा है वो सरकारों को होता है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो सरकारों को आप GST के तौर पर लगाइए, GST है। दूसरा, उसके बाद में विभिन्न तरह के टैक्सेस एक गाड़ी के ऊपर लगते हैं। अभी पीछे एक रिपोर्ट थी कि फॉर्च्यूनर यदि 35 लाख की है तो उसमें से 17-18 लाख रुपए तो सरकार को टैक्सेस के रूप में चले जाते हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि सरकारें कुछ कदम उठा रही हैं CO2 एमिशन को रोकने के लिए, तो आप बहुत बड़े भुलावे में है। आप खुद कोशिश करना शुरू करिए। तो पहली बात तो ये है कि जितनी भी ये नई गाड़ियां आएंगी इससे सरकारों को फ़ायदा है, कंपनीज को फ़ायदा है, सरकार को बहुत तरह के टैक्सेस मिलते हैं, चाहे वो रोड टैक्स हो गया, चाहे वो सेस हो गया, विभिन्न तरह के टैक्सेस इसमें सरकार को मिलते हैं। दूसरा, सरकारें सड़कों को वाइडर तो नहीं कर रही हैं, सड़कों की जो चौड़ाई है वो उतनी है ना, ही एक्सपेंशन हो रही है उसी हिसाब से जिस हिसाब से हर रोज सड़कों पर कारें आ रही हैं। तो सुविधाएं उतनी हैं लेकिन गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, सरकारों को कहना होगा कि यदि आप इतना सारा टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं तो उस टैक्स कलेक्शन को आप यूज़ भी कीजिए उन रोड को वाइडर करने में। अभी एक मंत्री जी ने एक घोषणा की है कि यदि आप किसी गलत पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी की फ़ोटो सरकार को भेजेंगे तो 500 रुपये आपको उसके सरकार देगी, 1000 रुपये का चालान कटेगा गलत पार्किंग का। तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है अभी बाजार के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप उस पार्किंग का एक व्यवस्था कर दें लोगों के लिए, तो लोग क्यों खड़े करेंगे सड़कों के ऊपर। पार्किंग की एक इतनी बड़ी समस्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और कोई भी इसके ऊपर बोल नहीं रहा है। आप कहीं पे भी गाड़ी लेके चले जाइए आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, जबकि विदेशों के अंदर कोई भी वहाँ पे मॉल बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, तो सबसे पहले पार्किंग का ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर अगर गाड़ियाँ आएंगी तो वो उनको पार्क कहाँ किया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पार्किंग की व्यवस्था को बनाए जाने के बावजूद उसको बनाया तो नहीं जा रहा है, बल्कि उसके लिए आपको जो है फाइन की पहले व्यवस्था की जा रही है कि आप यदि गाड़ी गलत पार्क करें। अरे, आप पहले पार्किंग की व्यवस्था तो करिए, तब आप फाइन के बारे में बात करें ना। आप करनाल चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, किसी भी बड़ी मार्केट के अंदर चले जाएं, पार्किंग की स्लॉट्स ही नहीं, पार्किंग की जगह ही नहीं, और जगह भी है तो वो बहुत लिमिटेड से, तो लोग पार्क कहाँ करें गाड़ियों को। तो आपको पहले व्यवस्था बनानी होगी, तब आप इस तरह के जो ये कानून है उनको बनाने का प्रयास करें। दूसरा, मैं एक आप सबसे प्रार्थना करूँगा, यदि आपके घर में 4 गाड़ियाँ हैं, कोशिश करें एक पूल बनाकर घर से निकलने की, और कोशिश करें जो CO2 एमिशन है उसको कम से कम करने की, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है, ये धरती हम सब की है। इस ऐसा नहीं है कि सरकारों ने कानून बनाएंगे कोई तभी उस पर हम लोग अमल करेंगे। अगर हम लोग खुद भी कोशिश करें तो बहुत सारा एमिशन हम लोग रोक सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न सुझाव हो जरूर करें। बहुत सारा प्रेम, नमस्ते।